मस्त हैं, खिलाड़ी किस्म के कवि, मौज मस्ती वाले कवि, समाज वमाज भाड़ा ले जाए समाज से क्या मतलब, मौज मस्ती वाले कवि एकदम, है ना। तो उनका सारा रुझान इन बातों में रहता था, श्रृंगार में लड़का लड़की कैसे बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं वो कैमरे के खड़े पीछे से, उनकी ये अदा है। रीतिकाल जिस काल में थे उस काल में लगभग सारे कवि ऐसे ही थे, कुछ ही समझदार लोग उस काल में हुए। तो एक सभा में एक नायक नायिका बैठे, शायद शोक सभा टाइप की कोई सभा है, सीरियस मामला है जिसमें ये शोभा नहीं देता कि लोग शरारत करें आपस में। तो उसमें कह रहे हैं कि नायक नायिका कैसे बात कर रहे हैं, कहत यानी नायक ने अपनी आंखों से कुछ कहा, नटक नायिका ने अपनी आंखों से ही मना कर दिया कि पागल गई है, चुप कैसे बैठ। नायक ने कहा चल ना यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के, बाहर चल ना बात करेंगे। नायिका कह रही है, नायिका ने इशारे से मना कर दिया कि नायिका पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वो पढ़ रही है ध्यान से, नायक पढ़ता नहीं है। नायिका आईएएस बनने आई है, नायक नायिका अकेले आया है, तो दोनों के मूल उद्देश्य में अंतर है, तो क्या करें। नायक शरारती है, चंचल है, प्रकृति से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बह रहा है उसके अंदर, ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कहत नटक, नायिका ने मना किया, और नायक इतना बेरोजगार टाइप का है कि इसी बात पे रीझ गया कि क्या मना किया है। कहत नटक रीझत, देखिए नायक रीझ गया, और नायिका को लग रहा है कि कितना फुकरा टाइप का इंसान है, अभी इसको डांट के मना किया इसको खुश हो रहा है। खिजत, नायिका खींच गई कि कैसा चौपट टाइप का आदमी मिल गया है। कहत नटत रीझत खिजत, उसके बाद दोनों ने फिर देखा तो भूल चूक लेनी देनी वाले भाव से आंखों आंखों में ये हो गए, चलो ठीक है यार टेंशन मत लो, मिलत। और जैसे समझौता हुआ आंखों से, खिलत, दोनों हंस पड़े। और जैसे समझौते की हंसी आई तो नायिका को संकोच हो गया, लजियात। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, भरे भवन में कर रहे हैं आंखों से ही बातें। इतनी सूक्ष्म दृष्टि केवल बिहारी के पास है, और इससे पहले कि बिहार के लोग नाराज हो, बिहारी बिहार के नहीं थे, वो राजस्थान के थे, जयपुर में बेस्ड थे, वहां से लिखते थे। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ 8-10 साल पहले कि मैं बिहारी के बारे में पढ़ा रहा था, उसी दिन अचानक क्लास में एक बच्चा आया पहली बार क्लास करने के लिए, वो बिहार से था, न केवल था बल्कि वो बहुत दावे के साथ वहां से था। तो मैंने कहा कि बिहारी समाज वमाज से उनको कोई मतलब नहीं था, लंपट टाइप के कवि थे, मैंने ऐसा कुछ वाक्य बोला। उसको कुछ बैकग्राउंड पता नहीं थी, तो मैंने कहा बिहारी लंपट थे, उसको लगा कि बिहार के लोगों के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। क्लास में खड़ा हो गया, आपने कैसे कैसे बोल दिया। मैंने कहा प्रभु बिहारी एक कवि का नाम है जो बिहार के दिखने नहीं, आप ऐसे बोल कैसे दिए बिहार के बारे में। बाद में पता लगा कि वो कुछ सेवन करके आया हुआ था क्लास में, तो उस अवस्था में था उस समय।